हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया। दिस इज प्रतीक। तो आप आईआईटी की तैयारी करने जा रहे होंगे, आप नीट की तैयारी करने जा रहे होंगे, आप एसएससी ऐसे फील्ड में सोच रहे होंगे, आप एयरफोर्स की तैयारी करने वाले होंगे, आप एनडीए की तैयारी करने वाले होंगे, क्लास 11th में हो और तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सी रेफरेंस बुक है जो इन फ्यूचर हमें वर्क करने वाले, इन फ्यूचर हमें सहायता देने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया। दिस इज प्रतीक। अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम ले रखा है, अगर आपने पीसीएमबी स्ट्रीम ले रखा है, अगर आपने कोई भी स्ट्रीम ले रखा है, तो सबके लिए मैंने साइड बुक बताने हैं इस वीडियो में। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एक बार शेयर जरूर जरूर शेयर कर देना। इसको देखना है, देख लो भाई, जरूर से जरूर शेयर कर देना एंड कमेंट करके बताना आखिरकार क्या नीड है, तुमने कौन सी बुक ली है, जो मैंने बुक बताया क्या तुम लेने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स फास्ट। या तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं काफी बढ़िया तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना, जो लोग भी हैं चाहते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जरूर से जरूर एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो वहां पे सारी चीजें बहुत ही आसानी तरीके से तुम्हें मिल रही होंगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो एक बार मैं पेन चूज कर लेता हूँ यार यहाँ से, ठीक है। तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सब्सक्राइब टू द चैनल, फॉलो मी इंस्टाग्राम @प्रतीक1418, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। अगर तुम मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मेरे गाइड में रहना चाहते हो, गाइडेंस में रहना चाहते हो, देन व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे आओ, वहां पे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड आपको करूंगा। तो चलो यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके लिए फिजिक्स क्लास 11th में आप गए हो, फिजिक्स की तैयारी करनी है, फिजिक्स के लिए कौन सी साइड बुक ऐसे लें, तो तुम्हारे सामने दिख रहा होगा प्रदीप सर फंडामेंटल फिजिक्स। दो वॉल्यूम होता है, एक तो वॉल्यूम सेकंड हो गया, ये हो गया वॉल्यूम वन। तो तुम अगर इसके इस बुक से पढ़ते हो, या तो तुम एनडीए की प्रिपरेशन करोगे करोगे कि नहीं करोगे, या तो तुम एयरफोर्स की प्रिपरेशन करोगे, या तो तुम एसएससी फील्ड में मूव करोगे, या तुम नीट की ओर जाओगे, या तुम जेई लेवल की ओर जाओगे, तो सारे के सारे कंपटीशन लेवल की बुक है। और तुम्हारे कंपटीशन के साथ साथ तुम्हारा जो बोर्ड है उसको भी बहुत ही आसानी तरीके से कवर करेगा। क्लास 11th एक ऐसा ग्राफ है भाई, जहां से लगभग 80% क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं। क्लास 11th को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्लास 11th को काफी अच्छी तरीके से पढ़ लो, तुम्हारे जो भी कंपटीशन है उसको तुम बीट कर जाओगे, ये मेरी गारंटी, कट ऑफ से ज्यादा लाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो फिजिक्स के लिए पहले तो तुम्हें इन साइड बुक की बात करें तो प्रदीप की फंडामेंटल बुक आती है, वॉल्यूम वन वॉल्यूम सेकंड दो बुक आती है क्लास 11th। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वो भी तुम्हें पढ़ना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल को भी तुम्हें करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया, एनसीईआरटी को क्या करें, एनसीईआरटी को इग्नोर करें, नहीं इग्नोर नहीं करना एनसीईआरटी को यार, जो भी सब्जेक्ट है पहली प्रियोरिटी तो आपको मैं दूंगा एनसीईआरटी। क्या दूंगा, लगभग 25% क्वेश्चन कंपटीशन लेवल के भी एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे, 75% क्वेश्चन आपके इन बुक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 25% के लिए पहले अपने बोर्ड पे ध्यान देना, पहले अपने क्लास 11th पे ध्यान देने से पहले, किसी साइड बुक को पढ़ने से पहले एनसीईआरटी कर लेना। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक आता है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है, वो चीज करने के बाद ही तुम मूव करना किसी साइड बुक पे। तो तुम भाई अगर क्लास 11th में हो, फिजिक्स की साइड बुक लेना चाहते हो, तो ये बुक है यार, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि मेरे को इससे पेमेंट मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं यार, ऐसा मत तुम सोचना, ठीक है भाई। चलो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री के लिए पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आफ्टर दैट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे ध्यान देना। उसके बाद आता है न्यू कोर्स, प्रदीप का एक न्यू कोर्स आता है जो कि केमिस्ट्री के लिए, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड तुम यहां से ले सकते हो, ठीक है। इसमें भी दो वॉल्यूम होगा, इसमें भी दो वॉल्यूम होगा यार, यहाँ पे तुम देख सकते हो केमिस्ट्री डॉक्टर एस एन धवन एंड एस टी खेत्रल दोनों द्वारा ये रिटन है, ठीक है। न्यू प्रदीप का न्यू कोर्स आता है जिसमें दो वॉल्यूम मिलेंगे केमिस्ट्री के, वॉल्यूम वन वॉल्यूम सेकंड, जो चीजें तुम क्लियर कर सकते हो। आफ्टर दैट आपके स्क्रीन पे मैथमेटिक्स दिख रहा होगा, पहले तो यार तुम्हें एनसीईआरटी तो इसको लेके चलना ही है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हो गया, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक हो गया, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर हो गया, उसको तो तुम साथ में लेके चलो बाबू। बट उसके साथ साथ अगर तुम चाहते हो एनडीए ऐसे एग्जाम को फोड़ना, अगर तुम चाहते हो जेई ऐसे एग्जाम को फोड़ना, अगर तुम चाहते हो एसएससी फील्ड में जाना, अगर तुम चाहते हो एयरफोर्स ऐसे फील्ड को फोड़ना, तो बस तुम आरडी शर्मा जाके परचेज कर लो, जो कि काफी सफिशियंट काफी बढ़िया, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होंगे सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है भाई। तो मैथमेटिक्स के लिए तुम्हें बस केवल केवल सोचना है, तो बस आरडी शर्मा को सोचना है, उसके अलावा किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। बट पहले तुम्हें एनसीईआरटी पे ध्यान दे देना है, उसके बाद तुम्हें आरडी शर्मा वगैरह सोचना है। आफ्टर दैट बायोलॉजी, यार बायोलॉजी की उतना तो मुझे नहीं पता, बट तुम अगर एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो बायोलॉजी तुम्हारा 100% क्लियर हो जाएगा बायोलॉजी, ठीक है। तो उसके बाद मूव करते हैं आपका अकाउंट्स पे, जो लोग कॉमर्स सेक्शन में होंगे यार, उनके जो भी होंगे एक सब्जेक्ट आता है उनका अकाउंट्स। तो अकाउंट के लिए पहले तो तुम्हें एनसीईआरटी पे ध्यान देना है, आफ्टर दैट तुम्हें डीके गोयल एंड टीएस जनरल का जो बुक है वो लोगे, या तो डीके गोयल लोगे, अकाउंट के लिए काफी सफिशियंट काफी बढ़िया और काफी बेहतरीन किताब है यार,
अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। आप प्रोडक्ट बिजनेस की बात करें तो यहां पे एनसीईआरटी पहली प्रायोरिटी होगी, उसके बाद पूनम गांधी एक बुक आती है उनकी, उनकी ले सकते हो, या सुभाष दे की तुम बुक ले सकते हो। किसके लिए? बिजनेस के लिए एनसीईआरटी, आफ्टर दैट पूनम गांधी एंड आफ्टर दैट सुभाष दे की तुम बुक ले सकते हो। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो पहले तुम्हारे नजर में होना चाहिए एनसीईआरटी, आफ्टर दैट संदीप गर्ग, क्या भाई संदीप गर्ग एंड टी आर जैन एंड आफ्टर दैट अगर बहुत ही नहीं मिल रहा है तो बी के ओहरी का भी किताब तुम ले सकते हो। किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए। तो यहाँ पे चीजें क्लियर हुई, बिजनेस के लिए पूनम गांधी सुभाष दे एनसीईआरटी एंड अकाउंट्स के लिए डी के गोयल टी एस जनरल और एनसीईआरटी। स्टैटिक्स के लिए मैं सिंपली एक बुक बस मैं प्रीफर करूंगा टी आर जैन की, जो बुक आती काफी बढ़िया होती है स्टैट्स के लिए, ठीक है भाई। तो इसके लिए तुम ये बुक परचेज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार चैनल पे नए हो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ जो होगी, इसकी जो भी पीडीएफ होगी, ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे कहां पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे। कौन सा टेलीग्राम चैनल है? @yourseducationda @yourseducationda टेलीग्राम चैनल है, यहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो बढ़िया, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कौन कौन सी बुक तुमने ली है और कौन सी बुक लेने वाले हो। बहुत जल्द तुम्हारे पेड कोर्स के रिव्यू वगैरह भी इसी चैनल पे आने वाले हैं। चलो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, एंड वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।